फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे कर्मचारियों को बर्खास्त कर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने को मजबूर युवाओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले गुरुवार को दुर्ग के हिंदी भवन के सामने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर इस मामले में अपनी मांग को लेकर निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन करने को मजबूर युवाओं को बिना शर्त बिना कोई धारा लगाए रिहा करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप अपनी मांग रखी। साथ ही कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारकों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में समस्त मुख्य सचिव प्रमुख सचिव के नाम आदेश जारी हुआ था, परंतु उस आदेश का आज पर्यंत पालन नहीं हुआ है, जिसकी मांग कुछ युवाओं के द्वारा बहुत पहले से की जा रही थी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के द्वारा विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। इन युवाओं द्वारा इस विषय को लेकर आमरण अनशन भी किया गया था, जिसको सरकार ने किसी भी प्रकार से गंभीरता से लेने का काम नहीं किया। इसलिए इन युवाओं को अंत में मजबूर होकर निर्वस्त्र होकर विधानसभा के सामने प्रदर्शन करना पड़ा, जो कि किसी भी सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पर बीजेपी जो धरना प्रदर्शन और अन्य नौटंकी कर रही है वो भी हास्यास्पद है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, जनरल कैटेगरी के लोग फर्जीवाड़ा करके जो है नौकरी लग रहे हैं, उनके खिलाफ में जो है वो पूरी तरह से जानकारी हो चुकी थी सरकार को और उन लोग अपराधी पाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 2020 से सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं किया। एससी एसटी के लोगों ने, यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी ने भी बार बार सरकार को याद दिलाने का काम किया कि ये फर्जीवाड़ा को बंद करे और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे, लेकिन नहीं मानी। आखिर अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं ने पहले आमरण अनशन किया, उसके पहले और भी कई बार जो है शासन को अवगत कराने का काम किया कि फर्जीवाड़े को बंद करे, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करे, नहीं किए तो मजबूरन जो निर्वस्त्र करके 18 तारीख को, जो 18 जुलाई को एससी एसटी के युवा सड़कों पर उतर आए। और ये शर्मसार करने वाली घटना है कि ये भूपेश सरकार जो कहती है कि हम दलितों आदिवासियों पिछड़ों की हितैषी हैं, और ये इतना सा मतलब छोटा सा काम करने के लिए उसको पसीने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपने लोगों को बचाना चाहती है और सरकार की नीयत है कि एससी एसटी को उसका हिस्सा ना मिले और उसके हक पर लोग, जनरल कैटेगरी के लोग डाका डालते रहें। ये सरकार की नीयत है, इसलिए वो लोगों को बचाव कर रही है। और आज मजबूर हुए हैं युवा, और जो अरेस्ट किया गया सरकार के द्वारा और गैर जमानती धारा लगा करके, तो बहुजन समाज पार्टी आज इसलिए धरना कर रही है छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में कि वो निःशर्त उन्हें रिहा करे, और जब तक रिहा नहीं कर देती बहुजन समाज पार्टी उन युवाओं के लिए और 50% इस प्रदेश की आबादी के लिए संघर्ष करती रहेगी, उसके इंसाफ के लिए लड़ती रहेगी। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो आज मांगे रखी गई है, उस मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो मांगे हैं, उस मांगों का मैं समर्थन करता हूं, और मांग जायज है। और मैं आगे एक ही चीज़ ये कहना चाहता हूं कि संबंधित जाति प्रमाण पत्र के जो अधिकार रखते हैं, उन जाति प्रमाण धारकों को यहां प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है, और जो फर्जी प्रमाण पत्र धारक हैं उनको जो है ना नौकरी में जो है ना आरक्षण का लाभ देते हुए यहाँ सवर्णों को जो है ना उसका लाभ दिया जा रहा है, ये उसकी हम जो है ना घोर निंदा करते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं निसंकोच, मणिपुर की भी एक घटना बहुत बड़ी निंदनीय घटना है, क्योंकि वहाँ सरकार जो है उनको राष्ट्रपति शासन हमारे राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा लगाना चाहिए। मुख्य धारा की तो बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री आज मणिपुर की घटना में क्यों नहीं बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है ना क्यों नहीं बोल रही है। आज इतनी बड़ी घटना हो रही है लगातार वहां पे, ये घटना हमारे बहनों के ऊपर हो रही है, निवस्त करके जो है ना उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये भी बहुत एकदम हमारे लिए दुखदायक घटना है और इसका हम घोर निंदा करते हैं। आगे की क्षणी में जो है ना जो हमारे बहुजन समाज पार्टी अगर इस कार्यक्रम के लिए जो भी आगे बढ़ेंगे, मैं उनका साथ में कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। मेरा परिचय ध्रुव कुमार लंगूर सोनी, अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और एससी एसटी ओबीसी के समन्वयक।
होने के नाते मैं इस मांगों का भरपूर समर्थन करता हूँ। हमारे युवाओं को जो छला गया है, उनको रोड पे निर्वस्त होकर उतरना पड़ा, ये बहुत शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, क्योंकि ये वो निर्वस्त नहीं हुए, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुख की बात है। और अगर उनको न्याय नहीं मिलता, उनको तुरंत यहाँ से रिहा किया जाए, गैर जमानती धारा जो लगाई गई है वो धारा हटा कर उनको रिहा किया जाए। साथ में इनकी जो मांग है फर्जीवाड़ा का जो है बरकुन कर्माचारी को बर्खास्त किया जाए, साथ ही इन युवाओं को उनका हक और अधिकार और सम्मान दिया जाए जो उनका अधिकार बनता है। अगर सरकार ये काम नहीं करती, हमारा अगला कदम यह रहेगा, अगर ये सरकार हमारी बात नहीं मानती तो हम विधानसभा से लेकर सांसद तक और रोड तक भी उतरने के काम करेंगे हमारे बहन जी के नेतृत्व में। नहीं, चुनाव तो हमारी एक प्रक्रिया है, इसका बहिष्कार क्यों करेंगे? हम तो चुनाव लड़कर विधानसभा में अपने सदस्यों को भेज कर उनके हक अधिकार को दिलाने का काम करेंगे, न कि हम बहिष्कार करने का काम करेंगे। मेरा नाम दीपक कुमार चंद्राकर, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।